प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गजरोला में अमरोहा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जहां सपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, पीएम मोदी ने कहा कि प्रदेश में दो शहजादे की जोड़ी घूम रही है, उनकी फिल्म शूटिंग चल रही है, वो हमारी आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, ये लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का बहुत बड़ा दिन है। मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि संविधान से मिले इस अधिकार का उपयोग जरूर करें, और विशेषकर मैं अपने युवाओं से आग्रह करूंगा जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं कि वो ऐसा मौका ना जाने दें, वो अवश्य वोट करें। पीएम ने कहा कि सीएम योगी गन्ना किसानों की चिंता की, अमरोहा के गन्ना किसान कभी नहीं भूल सकते कि पहले उन्हें भुगतान के लिए कितना परेशान किया जाता था, लेकिन आज प्रदेश में गन्ने का रिकॉर्ड खरीद के साथ ही रिकॉर्ड भुगतान हो रहा है। जब सपा की सरकार थी तो अमरोहा के गन्ना किसानों को साल में औसतन सिर्फ 500 करोड़ रुपए का भुगतान होता था, जबकि योगी जी की सरकार में यहां हर साल करीबन 10.5 हजार करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को हुआ है। यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी फिल्म की शूटिंग चल रही है, इन्हें पहले ही लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। पीएम ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बना तो सपा कांग्रेस दोनों पार्टियों में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये लोग आए दिन राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। अभी रामनवमी पर प्रभु रामलला का भव्य सूर्य तिलक हुआ। आज जब पूरा देश राममय है, तब समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्ति करने वालों को सार्वजनिक रूप से पाखंडी कहते हैं।